बिजनौर में बेटे ने मां को मौत के घाट उतारा। जिस मां ने अपने बेटे को बचपन में हाथ पकड़कर चलना सिखाया, उन्हीं हाथों ने मां को लाठी डंडों से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। वो भी महज इसलिए क्योंकि बेटा दो घूंट शराब पीने के लिए मां से पैसे मांग रहा था। गौरतलब है कि संतोष देवी का बेटा लोकेंद्र शराब खरीदने के लिए मां से रुपए की मांग कर रहा था। मां के इनकार करते ही लोकेंद्र ने मां को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया, जिसके इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपी लोकेंद्र को पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। उधर लोकेंद्र इतना उत्तेजित हो गया कि घर के बाहर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लगा दी और अपनी मां को जिंदा जलाने का प्रयास भी किया, लेकिन समय रहते आसपास के लोगों ने उसे अपनी मां को आग में डालने से रोक तो लिया, लेकिन इलाज के लिए ले जाते समय मां ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अफजलगढ़ से एक मामला संज्ञान में आया था। एक अफजलगढ़ में एक लड़का है लोकेंद्र, इसने अपनी मां के साथ मारपीट की, मां को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। बाद में लोगों द्वारा पूछताछ में बात सामने आई कि शराब पीने के लेके पैसे को लेके इसका विवाद हुआ, जिसमें मारपीट हुई, इसकी मां एडमिट थी, उसकी मृत्यु हो गई। इसमें इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और इसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।